Hi friends, welcome back to my channel. So today we will solve this question, and the question is find the fourth proportional of 3 by 4, 4 by 7 and 2 1 by 3. So now the question is saying that we have to find the fourth proportional. So first we let the fourth proportional be x. It means now 3 by 4 ratio 4 by 7 proportion. When we solve this, we get 3 into 2 plus 1. It means 7 by 3 ratio x. So now we get this. Now we have to find the value of x. So as we know the formula, which is product of extremes is equals to product of means. It means the product of extremes, which is 3 by 4 into x. So we can write it as 3 by 4 into x, which is equal to the product of means. Means 4 by 7 into 7 by 3. Now we have to solve this. So when we solve this, we get x is equals to 4 by 3. And now when this will come in this side in the division, then we will put the sign of multiplication, then it will be reciprocate. So into 4 by 3. After this, we will multiply 4 into 4, we get 16, and 3 into 3, we get 9. So this is the value of x, and we can also convert it into mixed fraction. So we get the value of x, which is equals to 9 1 whole by 7. It means 1 whole 7 by 9. Hence, this is the fourth proportional. तो एक बार फिर से हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. हमें क्वेश्चन में 3 प्रोपोर्शन पार्ट्स गिवन है एंड हमें फोर्थ वन फाइंड आउट करना है. इसके लिए हमने 3 by 4 रेशियो 4 by 7 प्रोपोर्शन 7 by 3 रेशियो एक्स लिखा. तो अब हमारा ये इस मेथड में आ गया. उसके बाद हमें जैसे कि फॉर्मूला पता है कि हम x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मींस. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी एक्सट्रीम यानी जो ये बाहर के दो जो वैल्यू होती है, इन्हें हम एक्सट्रीम कहते हैं. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी वी विल मल्टीप्लाई दिस एंड दिस. यानी ये जो हमारे बाहर के दो वैल्यूज़ हैं, इनका प्रोडक्ट इक्वल है ये मींस के प्रोडक्ट के. यानी जो अंदर वैल्यू होती है वो प्रोडक्ट ऑफ मींस कहलाएगी, और जो बाहर की वैल्यू है वो एक्सट्रीम कहलाएगी. सो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट है गिवन है, यानी प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है. सो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मींस. तो अब हमें इसे सॉल्व करना है. तो 7 7 कट गया, फिर बचा हमारे पास 4 by 3, और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. और जब हमारा 3 by 4 राइट हैंड साइड में आएगा मल्टीप्लाइड में, सो जब ये राइट हैंड साइड में आएगा तो ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी ये इसका उल्टा हो जाएगा. यानी 3 by 4 का 4 by 3 हो जाएगा. तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे. 4 into 4 we get 16, and 3 into 3 we get 9.
और हम इसे मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं, जिसके लिए हमने 1/7/9 लिखा है. सो दिस इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शन एंड दिस इज़ द आंसर. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.